तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो केमती अच्छा पिले? तो निश्चय बहुत बढ़िया से थी। तो फिफ्थ सेमिस्टर रो तुम्हारा क्लासिकल डायनामिक्स रो क्लासेस स्टार्ट करा हो ची। तो जो पिला मैंने जानलो मुझे समस्त कह दे पिले डिटेल्स रे सब पेपर तुम वन बाय वन पढ़ा हो सब पेपर रो डिटेल्स रे सब कोर्स कंप्लीट करा हो से आज वीडियो आम स्टार्ट करा जाऊँ कौन क्लासिकल डायनामिक्स को पिले पेपर तुम क्लासिकल डायनामिक्स है। तो देख पिले तुमको कहीदे चाहिए है। तो पेपर टा टिके लेंदी पेपर अच्छी बुझिपाल टी पेपर टी लेंदी अच्छी है। तो बहुत सारा जिनसर कम्बिनेशन तुम ये पढ़ो क्लासिकल डायनामिक्स रे जहाँ तुम्हें नॉर्मल फिजिक्स रे पढ़ु सब जिनसर डिटेल्स ये तुम सब पढ़ो किंतु टी कौन अलग डिफरेंट फॉर्म रे है। तो यार जो रिप्रेजेंटेशन अच्छी मतलब क्लासिकल जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गुड़ाक आम रिप्रेजेंट करूँ तो तार टी डिफरेंट फॉर्म रे आम रिप्रेजेंट करूँ नॉर्मल फॉर्म रे जमी रिप्रेजेंट करूँ तो सेम जिनको आम टी अलग फॉर्म रे रिप्रेजेंट करूँ बुझिपाल पे। तो मुझे जितने वन बाय वन वीडियो देख मुझ वन बाय वन तुमको कही चलिए कमी कौन रिप्रेजेंट करा जाए। तो चलो फर्स्ट क्लासिकल डायनामिक्स कौन कि क्लासिकल मेकानिक्स डील्स विथ कौन कह डील्स विथ द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट थ्रू द स्पेस एंड टाइम है बुझिपाल पे। तो जो क्लासिकल मेकानिक्स पढ़ु तो क्लासिकल डायनामिक्स फर्स्ट टॉपिक है क्लासिकल मेकानिक्स कौन पे तुम क्लासिकल मेकानिक्स। तो ये कौन कही क्लासिकल मेकानिक्स डील्स विथ द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो गोटे ऑब्जेक्टर मोशन विषय पढ़ा रिलेट विथ कि ऑब्जेक्ट थ्रू द स्पेस एंड टाइम है। तो गोटे ऑब्जेक्टा स्पेस आउ टाइम गोटे ऑब्जेक्टा कौन करुच्छे मोशन करुच्छे मतलब मूव करुच्छे गोटे पॉइंट रू आउ गोटे पॉइंट को जाउच्छे तो तारे स्पेस उपरे कौन इफेक्ट पड़ुच्छे तुम टाइम उपरे कौन इफेक्ट पड़ुच्छे मतलब से कौन गोटे जिनस यदि गोटे पॉइंट रू आउ गोटे पॉइंट को चेंज होउच्छे गोटे पॉइंट रू आउ गोटे पॉइंट को जाउच्छे तो ओबियसली कौन होउच्छे तार पोजिशन भी चेंज होउच्छे एलोंग विथ तार टाइम मध्ये चेंज होउच्छे। तो सेम जिनस से कहिछि क्लासिकल मेकानिक्स डील्स विथ द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन कापर से पढ़ुच्छे क्या कुछ आम डिस्क्राइब करुच्छे डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन मोशन उपरे ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू द स्पेस एंड टाइम है डिफाइन इन न्यूटोनियन व्यू। न्यूटोनियन व्यू मीन्स तुम्हारे न्यूटन्स व्यू को आम न्यूटोनियन व्यू बोली कही था इन व्हिच स्पेस एंड टाइम्स आर ट्रीटेड एज एब्सोल्यूट है। तो स्पेस एंड टाइम्स हमको आम कौन एब्सोल्यूट बोली कंसीडर करछु कौन करछु बोले एब्सोल्यूट बोली कंसीडर करछु बुझिपाल। तो देख पिले जी तुम रिलेटिव तो ये आम स्पेस एंड टाइम को कौन कन्स्टार बोली कन्सीडर करछु हला किंतु आम जो रिलेटिविटी पढ़ु कौन थिला स्पेस एंड टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट इट इज रिलेटिव थिला बुझिपाल पिले जोड़ा आम करूल तुम कौन रिलेटिविटी पढ़ु है। तो रिलेटिविटी आम कौन पढ़ु स्पेस आउ टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट से कौन थी रिलेटिव थिला किंतु क्लासिकल मेकानिक्स आम पढ़ा कौन पढ़ा न्यूटोनियन व्यू इन व्हिच स्पेस एंड टाइम्स आर ट्रीटेड एट एब्सोल्यूट है एब्सोल्यूट बोली कंसीडर करवा ठीक अच्छे है। सर आइजाक न्यूटन है तो बहुत सारा साइंटिस्ट कौन कर या से कौन बहुत सारा कौन कर तो मैंने एक्सपेरिमेंट कर तो किए सब क्लासिकल मेकानिक्स फादर ऑफ क्लासिकल मेकानिक्स कहवा है तुम सर आइजाक न्यूटन गैलीलियो लैग्रेंज यूलर हैमिल्टोनियन इटीसी वेयर द सम ऑफ द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल मेकानिक्स है ओवर द ईयर। तो बुझिपाल पे तो ये हूँ तुम कहीपर फादर ऑफ क्लासिकल मेकानिक्स जे कौन बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करमर क्लासिकल मेकानिक्स को बिल्ड कर बुझिपाल। तो किए रही आम न्यूटन रे गैलीलियो रे लैग्रेंज रे यूलर रे हैमिल्टोनियन रे आम डिटेल्स पढ़ा लैग्रेंज इक्वेशन कौन यूलर इक्वेशन कौन हैमिल्टोनियन इक्वेशन कौन पूरा डिटेल्स डेप्थ में तुमको आनालाइज करी है। तो ताहले कौन पढ़ल तुम्हें आम क्लासिकल क्लासिकल मेकानिक्स क्या विषय क्या विषय डिस्क्राइब करवा क्या विषय पढ़ा मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विषय पढ़ा कौन गोटे ऑब्जेक्ट कौन कर मूव करुच्चे तो कौन एलंग विथ द स्पेस एंड टाइम तो ये केस स्पेस एंड टाइम को कौन एब्सोल्यूट कि कांस्टेंट बोली कंसीडर करुच्छे है। तो एम सब रहा कौन फादर ऑफ तुम कहीपर फादर ऑफ क्लासिकल मेकानिक्स बुझिपाल पे। चलो नेक्स्ट आस है एवं काइनेमेटिक्स तो काइनेमेटिक्स तो जानते पे मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम जो ब्रांच में पढ़ू दैट इज योर काइनेमेटिक्स है। तो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मेकानिक्स इन व्हिच वी डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो क्या विषय पढ़ू डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मोशन करुच्चे मोशन कलापर कौन हो तो विषय में डिटेल्स पढ़ू है। बट इन डायनामिक्स है तो रहा कौन काइनेमेटिक्स बट इन डायनामिक्स वी डील्स विद द कॉज ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है इन टर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द मोशन मोशन इनवल्व फोर्स है। तो देख ये दुटा जिनस रहा गोटे रहा काइनेमेटिक्स गोटे रहा डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स फर्स्ट पॉइंट रहा काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स आम कौन पढ़ू मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विषय ऑब्जेक्ट कहीं मूव कला कौन पर मूव कला ता पछर रीजन कौन ता विषय में किसी पढ़ू ना है। तो आम खाली देखो गोटे ऑब्जेक्टा गोटे पॉइंट रू आ गोटे पॉइंट को गला मतलब कौन कला मूव कला मूव कला मीन मोशन रे अच्छी। तो मोशन है तार इफेक्ट कौन हो तार के डिस्प्लेस कला के एंगल डिस्प्लेस कला तार वेलोसीटी के तार एक्सीलरेशन के सब जिन विषय में कौन विषय कौन पढ़ू काइनेमेटिक्स रे पढ़ू पिले काइनेमेटिक्स रे है
କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ତୁମର ଟପିକ୍ ରହିଲା ଡାଇନାମିକ୍ସ, ତ ଡାଇନାମିକ୍ସରେ ଆମେ ପଢ଼ୁ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟଟା ମୁଭ୍ କଲା ତ ତା କଜ୍ କ'ଣ, ତା ପଛରେ ରିଜନ୍ କ'ଣ କି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ମୁଭ୍ କଲା, ତ ତା ପଛରେ କେତେ ଫୋର୍ସ କେତେ ଏନର୍ଜି ଲାଗିଲା, ତ ତା କଜ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁ ହେଲା। ତ ଯେଉଁଠି ଆମେ କଜ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛୁ ସେଇ ତୁମର ଟପିକ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ହେଲା, ସେଇ ତୁମର ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ଡାଇନାମିକ୍ସ ବୋଲି କହୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଖାଲି କାଇନେମେଟିକ୍ସରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁ, ଖାଲି ମୋସନ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁ, ଖାଲି କ'ଣ ପିଲେ ପଢ଼ୁ, ମୋସନ୍ ବିଷୟରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଇନାମିକ୍ସରେ ରିଜନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ମୋସନ୍, ଯଦି ମୋସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ତ ତାର କଜ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ, ତ ବୁଝିପାରିଲ କାଇନେମେଟିକ୍ସ କ'ଣ, ତୁମର ଡାଇନାମିକ୍ସ କ'ଣ ହେଲା। ତ ଦେଖ ପିଲେ, ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ପୁରା ବେସିକ୍ରୁ ତୁମକୁ ନେଇକି ନେଇଯିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମକୁ କନସେପ୍ଟ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସ, ହେନ୍ସ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ହେଲା, ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ୍, ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ ଫର୍ମ ଦ ବେସିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ଡାଇନାମିକ୍ସ ହେଲା। ତ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ରହିଲା, ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍, ତାପରେ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ ରହିଲା, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଫର୍ମ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ଲାସିକାଲ ଡାଇନାମିକ୍ସ। ତ କ୍ଲାସିକାଲ ଡାଇନାମିକ୍ସର ବେସିକ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କମାନେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତୁମର ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ୍, ଆଉ ରହିଲା ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍। ବୁଝିପାରିଲ, ନେକ୍ସଟ ଆସ, ଦ ଏସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟୁଟୋନିଆନ୍ ମେକାନିକ୍ସ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଫ୍ ଦ ପୋଜିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଆର୍ ନୋନ୍ ଆଟ୍ ଏନି ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍, ଦେନ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ଦ ସବ୍ସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଦ ମୋସନ୍ ଅର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଏକ୍ୟୁରେଟ୍ଲି ହେଲା। ତ ଶୁଣ ହେଲା, ତ ଟିକେ ବୁଝ ପିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟୋନିଆନ୍ ମେକାନିକ୍ସ ପଢ଼ୁଛୁ ହେଲା, ନ୍ୟୁଟୋନିଆନ୍ ମତଲବ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ରୁଲ୍, ନ୍ୟୁଟନ୍ସଙ୍କ ରୁଲ୍ ଯାହା ବି ଥିଲା, ନ୍ୟୁଟନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁଲ୍, ସେକେଣ୍ଡ ରୁଲ୍, ଥାର୍ଡ ରୁଲ୍, ଯାହା ବି ସବୁ ଆମେ ରୁଲ୍ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ହେଲା। ତ ଯଦି ଦେଖ ପିଲେ, ଯଦି ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲ ତୁମେ ଏସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୟୁଟି ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଏ ଟି ସ୍କୋୟାର୍, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଫର୍ମୁଲାସ୍ କ'ଣ, ତୁମର ନ୍ୟୁଟୋନିଆନ୍ ମେକାନିକ୍ସ ହେଲା, କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଟୋନିଆନ୍ ଫିଜିକ୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବ ହେଲା। ସେ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି, ଇଫ୍ ଦ ପୋଜିସନ୍ ଅର୍ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ୍ ଏ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍, ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ଭେଲୋସିଟି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଲା ଅବଜେକ୍ଟ, ତୁମେ ତା ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ଜାଣିଛ, କ'ଣ ଜାଣିଛ ପିଲେ, ତାର ପୋଜିସନ୍ ତୁମକୁ ଜଣା ଅଛି, ପୋଜିସନ୍ ଜଣା ଅଛି ତୁମକୁ, ଆଉ ସେ କେଉଁ ଭେଲୋସିଟିରେ ମୁଭ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମକୁ ଜଣା ଅଛି ହେଲା, କେଉଁ ଭେଲୋସିଟିରେ ଭି ତୁମକୁ ଜଣା ଅଛି ହେଲା, ଭି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ଅଛି ହେଲା, ପୋଜିସନ୍ ଜଣା ଅଛି ଆଉ ଭେଲୋସିଟି ଜଣା ଅଛି ହେଲା। ଯଦି ତୁମ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟର ଭେଲୋସିଟି ଜଣା, କ'ଣ ପୋଜିସନ୍ ଜଣା ଅଛି ଆଉ ତୁମର ଭେଲୋସିଟି ଜଣା ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବ କି କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ସେଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ, ଯେମିତି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଭାବିନି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ରହିଲା ଅବଜେକ୍ଟ, ଲେଟ୍ ଏ ଇନିସିଆଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏ ହେଲା, ଏବେ ହେଲା, ଏବେ ୟାର ଭାବିନିଅ ୟାର ସ୍ପିଡ୍ କେତେ, ଭାବିନିଅ 30 km/h, କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର କେତେ ପିଲେ, 30 km/h ହେଲା, 30 km/h ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ସେ କେତେ କିଲୋମିଟର ସେ ଇଏ କରୁଛି, 30 km ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ବି ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ସି ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ରହିଲା ଡି ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପରେ କେଉଁଠି ସେ ପହଞ୍ଚିଥିବ, କ'ଣ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଥିବ ହେଲା। ତ ମୁଁ କ୍ଲିଅରଲି କହିପାରିବି ପିଲେ, ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ କ'ଣ, ୟାର ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ତୁମର, ୟାର ପୋଜିସନ୍ ମୋତେ ଜଣା ଅଛି, ଇଏ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି, ତୁମ ଏ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ୟାର ଭେଲୋସିଟି କେତେ, 30 km/h, ଘଣ୍ଟାକୁ ସେ 30 km ବେଗରେ ଯାଉଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟାରେ ସେ କେଉଁଠି ଥିବ ପିଲେ, ସେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ 150 km କଭର୍ କରିଥିବ, 150 km ହେଲା। ତ 150 km ତ ସେ କେଉଁଠି ଥିବ, ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଆମର 150 km, ଭାବିନିଅ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର 150 km ହେଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟର ଆମେ ପୋଜିସନ୍ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ତାର ଭେଲୋସିଟି ଜାଣିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ସେ ଅବଜେକ୍ଟଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବା ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କାଲକୁଲେସନ। ଦେଖ ୟାକୁ ବେସିସ୍ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ରକେଟ୍ ସବୁ ସ୍ପେସ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ଭାବିନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନେଟ୍କୁ ଆମର ରକେଟ୍ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ତ ଆମକୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ତାକୁ ବହୁତ ସାରା କାଲକୁଲେସନ୍ କରାହେଉଛି କି କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ପରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ପରେ ଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ ହେଲା, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କାହିଁକି ସେହି ହିସାବରେ ତାକୁ କ'ଣ ଫୁଏଲ୍ ଦିଆଯାଏ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ସେ କହିଛି, ଦ ଏସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟୁଟନ୍ ମେକାନିକ୍ସ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଫ୍ ଦ ପୋଜିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେଲୋସିଟି ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଟିକଲ୍, ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଅବଜେକ୍ଟର କ'ଣ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଭେଲୋସିଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ହେଲା, ଇଜ୍ ନୋନ୍ ହେଲା, ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଟ୍ ଏନି ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍, ଦେନ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବା କି କିଛି ଡେରି ପରେ ସେ ଅବଜେକ୍ଟଟା କେଉଁଠି ଅଛି, କ'ଣ କିଛି ଡେରି ପରେ କେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟଟା ତୁମର କେଉଁଠି ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ, ଅର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଏକ୍ୟୁରେଟ୍ଲି ହେଲା, ତ ଆମେ ତାର ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ହେନ୍ସ ନ୍ୟୁଟୋନିଆନ୍ ମେକାନିକ୍ସ ହେଲା, ନ୍ୟୁଟୋନିଆନ୍ ମେକାନିକ୍ସ ଲାଇଜ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଦ ଡିଟର୍ମିନେଷ୍ଟିକ୍ ଭ୍ୟୁ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋସନ୍ ହେଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଦ ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁକ୍ଲିଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ହେଲା।
तो ये जो आम पढ़ा पिले ये जो आम पढ़ा थ्री डायमेंशनल स्पेस विषय में पढ़ा क्या विषय में पढ़ा थ्री डायमेंशनल स्पेस मतलब गोटे ऑब्जेक्ट है जो मूव करुच्छे तो स्पेस को आम जेनेली कौन थ्री डायमेंशनल व्यू में देखो यदि ऑब्जेक्ट मूव करुच्छे तो एक्स एक्सिस के डिस्टेंस कवर करुच्छे वाई एक्सिस के डिस्टेंस करुच्छे जेड एक्सिस के डिस्टेंस करुच्छे तो पूरा कंप्लीट थ्री डायमेंशनल व्यू विषय कौन कर डिटेल्स में पढ़ा बुझा पे आई होप स्टूडेंट तुम कनसेप्ट बुझीपुर तो डिटेल्स वन बै वन सब जिन डिटेल्स बुझेबी तो समस्त कहूँ बोले आम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गला तो फटाफट आसिक जॉइन हो जाओ तो मुझे समस्त कहबी ए नंबर में कंटाक्ट कर 9040607886 यही नंबर को कंटाक्ट करके तुम आराम स्पेशल ग्रुप आराम से जॉइन हो पार टोटल फिफ्थ सेमिस्टर को नियोजे 1200 rupees तो गोटे गोटे पेपर को तुम ओनली 300 rupees नियोजे पे ओनली 300 rupees है तुम आराम से ग्रुप जॉइन हो पूरा डिटेल्स नोट्स वीडियो पीडीएफ सिलेक्शन क्वेश्चन एवरीथिंग तुमको मिल जाए बुझ पाल पे तो फटाफट नोट डाउन कर तो नेक्स्ट देख पे क्या विषय देखा मेकानिक्स ऑफ पार्टिकल विषय कौन मेकानिक्स ऑफ पार्टिकल विषय है तो मेकानिक्स ऑफ पार्टिकल विषय बुझा फर्स्ट पार्टिकल कौन बुझ है तो पार्टिकल कौन पे गोटे स्मॉलेस्ट जिनस एमती गोटे स्मॉलेस्ट थिंग कनसीडर कर जार किसी डायमेंशन ना है ये छोट जिनस जार किसी कौन अच्छे डायमेंशन तुम कनसीडर करुझपाल पे तो कौन कही देख पे ए पार्टिकल इज ए बॉडी व्हिच डायमेंशन कैन बी नेग्लिजेबल बुझिपाल पे जार डायमेंशन कौन नेग्लिजेबल है बहुत ही कम डायमेंशन नेग्लिजेबल कहीपर जार मास बहुत नेग्लिजेबल बुझिपाल पे है तो डायमेंशनलेस कहीपर आसलेस बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल जहाँ कौन तुम मापी पार नहीं तरह डायमेंशन जापर मतलब एक्स रे अच्छे वाई रे अच्छे जेड रे अच्छे तो से ही से कही पार्टिकल इज ए बॉडी व्हिच डायमेंशन कैन नॉट बी कौन व्हिच डायमेंशन कैन बी नेग्लिजेबल व्हाइल डिस्क्राइबिंग इट्स मोशन है तो जो आम गोटे कौन कहूँ गोटे हुए पार्टिकल इज मोशन इन एक्स डायरेक्शन हुए पार्टिकल इज मोशन इन वाई डायरेक्शन तो पार्टिकल मतलब कौन एमती गोटे जिनस कितनी एमती गोटे स्मॉलेस्ट थिंग जार कौन डायमेंशनलेस जार कौन डायमेंशनलेस बुझिपाल बोले जो कौन कहे तो आम जो मोशन पढ़ा तो आम कौन करा गोटे पार्टिकल को मूव करवा तो से पार्टिकल कौन डायमेंशनलेस आम कनसीडर करवा ठीक अच्छे बुझिपाल आगे बढ़ इट मे बी पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट और फाइनाइट साइज है तो इट मे बी पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने बुझ ये गोटे पॉइंट देली तो यहाँ को गोटे कौन कहीपरि गोटे पार्टिकल बोली कहीपरि इट इज अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट और ए फाइनाइट साइज बॉडी डिपेंड अपन द सिचुएशन ऑन कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम है तो जो टाइप क्वेश्चन थी तुम से ही टाइप पार्टिकल बोली कनसीडर करो तो पार्टिकल कौ जगह स्मॉल अच्छी कौ जगह बॉडी बड़ अच्छी कौ जगह तरह गोटे डेफिनेट साइज अच्छी तो डिपेंड करे कौ टाइप प्रॉब्लम सॉल्व करो से ही हिसाब से तुम पार्टिकल डेफिनेशन चेंज हो बुझिपाल पे तो बुझिपाल पार्टिकल कौन है ए पार्टिकल हाज सम मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इफ इट इज चार्ज है जदि गोटे पार्टिकल चार्ज पार्टिकल थी है तो फर्स्ट गोटे रहा नॉर्मल पार्टिकल गोटे रहा चार्ज पार्टिकल जदि मुझे कहटा चार्ज पार्टिकल दैट मीन तार किसी स्पेसीफिक चार्ज थी ओब्वियसली चार्ज अच्छे मैंने चार्जर किसी ना किसी मास थी तुम जान इलेक्ट्रोन रु किसी मास थाए प्रोटोन रु किसी मास थाए तो जदि गोटे पार्टिकल चार्ज पार्टिकल अच्छी तो तार डेफिनेटली किसी ना किसी कौन थी बोले मास थी आज वेल एज चार्ज थी बुझिपाल बोले तो ये कौन कौन पड़ लो ये भितर तुम्हें ए पार्टिकल हाज सम मास एंड सम चार्ज इफ इट इज चार्ज पार्टिकल है तो पार्टिकल क्या कहुए तो पार्टिकल गोटे एमती ऑब्जेक्ट जार कौन डायमेंशन लेस बोली कनसीडर कराए कौन जार डायमेंशन लेस है तो जो आम मोशन विषय एक्सप्लेन करवा मीनस आम जो मोशन विषय मोशन टॉपिक विषय में पढ़ा तो तुम बुक में लिखा ही देख द पार्टिकल इज मोशन द पार्टिकल इज मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर है तो कौन कहो पार्टिकल तो पार्टिकल एक्चुअल कौन तो पार्टिकल मतलब हूँ एमती गोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जार कौन डायमेंशन लेस कौन डायमेंशन लेस आ बहुत ही छोट है जदि से कौन थी कि पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट कहीपर है कि फाइनाइट साइज भी कार किसी साइज अच्छी डिपेंड अपन द सिचुएशन कौ टाइप सिचुएशन तुम कनसीडर करुच कौ टाइप प्रोब्लेम सल्व करुच से ही जगह तुम पार्टिकुलर डेफिनेशन चेंज हम है जदि कौन अच्छी जी पार्टिकलटा चार्ज पार्टिकल अच्छी तो किसी ना किसी तार मास थी आज वेल एज तार किसी ना किसी चार्ज थी क्लीयर आगे बढ़ है ऑन द अदर हैंड फॉर एन एक्सटेंडेड बॉडी है कौन कहे एक्सटेंडेड बॉडी पार्टिकल बुझीगल नेक्स्ट हाला एक्सटेंडेड बॉडी इन एडिशन टू मास चार्ज इट पोजेसेस मोमेंटम ऑफ इनर्सिया एज एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल इन रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सिस है चलो पार्टिकल बुझल नेक्स्ट कौन कहे एक्सटेंडेड बॉडी एबे एक्सटेंडेड बॉडी क्या कह तो इन एडिशन ऑफ मास तुम कौन कल पार्टिकल किसी एडिशन ऑफ मास कल मास को ऐड कल चार्ज को ऐड कल है इज पोजेसेस सम मोमेंट कौन इज पोजेसेस तो सी कौन कर मोमेंट ऑफ इनर्शिया शो कर एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
मास है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है मास कौन कर डिस्ट्रीब्यूट होती है मतलब गोटे एक्सटेंडेड बॉडी कौन था मास सब आड़े कौन हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल इन रोटेशनल मोशन है जितना आम रोटेशनल मोशन विषय में पढ़ा तो कौन करेंगे गोटे एक्सटेंडेड बॉडी जहाँ कह रोटेशनल मोशन में किए मूव करुच्चे गोटे एक्सटेंडेड बॉडी तो एक्सटेंडेड बॉडी कौन से मास्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती देख पे मुझे कहि अर्थ अर्थ क्या चारिपटे बुलू सन चारिपटे बुलू तो अर्थ गोटे गोटे एक्सटेंडेड बॉडी बॉडी कनसीडर करवा कहीं जो मास अच्छे सर सब कौन अच्छे इक्वाली डिस्ट्रीब्यूट होगी अच्छे है चलो ये बुझीगल फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट नेक्स्ट आस है कौन कह मेकानिक्स ऑफ ए पार्टिकल इज एक्सप्लेन बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है तो तुम मेकानिक्स ऑफ द पार्टिकल जब पार्टिकल को तुम कौन कर पार मेकानिक्स ऑफ ए पार्टिकल जब पार्टिकल तुम मेकानिक्स विषय बुझा चाहब तेल किए तक एक्सप्लेन कर एक्सप्लेन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है तो पार्टिकल मोशन को एक्सप्लेन किए कर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है इट स्टेट्स दैट द टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स है कौन कह The rate of change of momentum of the particle, rate of change of momentum of the particle, जो particle का momentum change हो चुका है, with respect to time, तो rate of change of momentum of the particle is proportional to the, है ना, external force, है ना, तो देखो, भाभी ने उड़े कौन सा particle अच्छी, उड़े particle अच्छी, इड़ा उन्हें, इड़ा उड़े particle अच्छी, है ना, इड़ा उड़े particle अच्छी, है ना तो मुझे आपको किसी force apply कर ले, कौन कर ले, किसी force apply कर ले, है ना, तो देखो बोले, एवं simple कथा, ये भाभी ने तुम भावने मुझे गोटे बॉडी है मुझे गोटे बॉडी तो मोर किसी कौन अच्छी मोर किसी मास अच्छी मुझे किसी स्पीड्रे दौड़ी जी है तो कौन करें तुम जान मोमेंटम फॉर्मूला कौन पे पी इज इक्वल टू एम भी मोमेंटम फॉर्मूला कौन पी इज इक्वल टू एम भी है मोमेंटम फॉर्मूला कौन एम इंटू भी है तो गोटे बॉडी तुम किसी मास अच्छी जमी मो बॉडी किसी मास अच्छे मुझे किसी वेलोसिटी रन करी तो कौन क्रिएट हम मोमेंटम क्रिएट हम क्या तो जी पिटी हेबी तो कौन हम से इंपैक्टा को आम मोमेंटम कही था है तो सी कौन कही पे देख It states that the time rate of change of momentum, rate of change of momentum, मतलब rate of change of momentum को हम लिख पारे dp by dt, rate of change of momentum, कौन rate of change of momentum of the particle is proportional to the external force, है तो देख एक्सटर्नाल फोर्स जिते अधिका हे तुम मोमेंटम से हिसाब से चेंज हे कौन पे एक्सटर्नाल फोर्स जिते अधिका हे कहीं देख कौन पी इज इक्वल कौन अच्छे तुम एम भी अच्छे तो गोटे पार्टिकल मूव कमी करुच्छे एलंग एक्सटर्नाल फोर्स पड़ू के एक्सटर्नाल फोर्स पड़ू है एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो कौ डायरेक्शन जो तार फोर्स डायरेक्शन कौन ए फोर्स डायरेक्शन ये अच्छे तो सही डायरेक्शन में जब बुझा पे जमी गोटे गाड़ी अच्छे गाड़ी अच्छी एवं देख पे मुझे तुम एक्जामपल तुमको पचारि गोटे सैकल अच्छी आ गए तुम ट्रक अच्छी है तो दुई जन वेलोसिटी सेम अच्छी भावने सैकल भी तुम 30 किलोमीटर पर आवर आस ट्रक भी तुम 30 किलोमीटर पर आवर आस दुई जन जो तुम उपर एक्सीडेंट है कि इंपैक्ट पड़ो कार अधिका इंपैक्ट तुम उपर पड़ो ओबियसली ट्रक रही देख दुई जन वेलोसिटी सेम थी कि ट्रक रा मासटा अधिका आज कंपेयर टू कौन साइकल है तो यदि मास अधिका होती तुम उपर कौन पड़ो तुम मोमेंटमटा अधिका पड़ो तार इंपैक्टा तुम उपर कौन पड़ो अधिका पड़ो बुझिपाल पे कहीं मास बुझिपाल पे एवं नेक्स्ट गोटे सिंपल एग्जांपल दूसरे तरह जस्ट तरह अल्टरनेट एग्जांपल दूसरे है इमेजिन कर दुटा ट्रक अच्छे तो दुज मास कौन सेम अच्छे जड़े 30 किलोमीटर पर आवर आसे 90 किलोमीटर पर आवर आसी तो जन जो पिटी है तो क्या इंपैक्ट कार इंपैक्ट अधिका पड़ो जोटा 90 किलोमीटर आवर आसी कहीं केस दुजर मास सेम अच्छे दुज मास सेम अच्छे किंतु दुज वेलोसिटी डिफरेंस अच्छे है तो वेलोसिटी बढ़ले मोमेंटम चेंज होगा कहीं वेलोसिटी बढ़ले तुम मोमेंटम चेंज हो बुझल बोले आ बॉडी रो मोमेंटम ऊपर क्या पर डिपेंड करुच्चे तुम क्या तुम एक्सटर्नल फोर्स ऊपर एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स आउ डायरेक्शन को सी जीव जो डायरेक्शन फोर्स जीव बुझे बोले नेक्स्ट आस द लिनियर मोमेंटम पी ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स वेलोसिटी कहल ना पे तुम मोमेंटम फॉर्मूला कौन मास इंटू वेलोसिटी कौन मास इंटू वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड लिनियर मोमेंटम है दैट इज कॉल्ड लिनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम अच्छी तो ये लिनियर मोमेंटम जो फॉर्मूला में कहे मास इंटू वेलोसिटी क्लियर तो सही से कही तो लिनियर मोमेंटम पी पार्टिकल ऑफ द पार्टिकल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स वेलोसिटी सो पी इज इक्वल टू कौन पिले एम वि पी इज इक्वल टू कौन पिले एम वि है फेर वि वि हूँ कौन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को कौन कह पार डी कौन डीआर बाई डी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कौन कह पारे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को आम कौन कह पार पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को इज कॉल्ड वेलोसिटी है फेर आर इज द कौन रहा आर वेक्टर है आर वेक्टर इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फेर आर वेक्टर आर इज द कौन कह तुम रेडियस ऑफ द वेक्टर कौन आर इज द कौन रेडियस ऑफ द वेक्टर है तो डीआर बाई डी को आम कौन कहूँ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आर को कौन कहूँ पे रेडियस ऑफ द वेक्टर कौन पे तुम रेडियस ऑफ द वेक्टर रेडियस ऑफ द
वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू एन ओरिजिन हैला हैविंग कंपोनेंट एक्स वाई एंड जेड कार्टेशियन हैला तो एटा कोन तमरो जो हम पढ़ु तो थ्री डायमेंशनल हैला तो सेतरे कोन एक्स एक्सिस भी रहबो वाई एक्सिस भी रहबो जेड एक्सिस तीनटा एक्सिस रे इंक्लूडेड रहबो बुझ पले पिले तो आई होप स्टूडेंट तुम आराम से क्लियर हो जाथिबो हैला तो लिनियर मोमेंटम फॉर्मूला कौन एम इंटू वी है एम हूँ तुम्हारा मास आउ वी हूँ तुम्हारा वेलोसिटी वी हूँ तुम्हारा वेलोसिटी वेलोसिटी को आम डीआर बाय डीटी लिख पारा कि तुम डीएस बाय डीटी भी लिखुद वी इज इक्वल टू कौन लिखुद पिले डीएस बाय डीटी है टेस्टा कौन थी पहले तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इटे आर को आम रेडियस कनसीडर कर बुझ पाला बस ये जिनस है तो आई होप फ्रेंड मुझे डिटेल्स से सब जिन एक्सप्लेन कली है तो ये यार किसी मैथमेटिकल डेरिवेशन देखा जहाद्वारा कि तुम्हारा सब कनसेप्ट क्लियर होगा तो फटाफट नोट डाउन कर लास्ट देख पिले कौन कही अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है तो एफ इज इक्वल टू के पिले तुम कौन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कौन लिखी आर र डॉट है तो देख पिले है आउ गोटे जिन बताया चाहिए पिले फर्स्ट करा आगे टे बुझीद है वेलोसिटी को जब कह वेलोसिटी है तो फॉर्मूला कौन थी पिले डी आर बाय डी टी कौन लिखू डी आर बाय डी टी तो ये जगह मुझे आर डॉट र वेक्टर बोली लिखिपरि है कि आर वेक्टर रो डॉट है तो डॉट मीन सिंगल डेरिवेटिव को हमें डॉट रिप्रेजेंट करू बुझ पाला सिंगल डेरिवेटिव को हमें डॉट रिप्रेजेंट करू है वी जहाँ डी आर बाय डी टी से या वी मोर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कि आर वेक्टर रो डॉट तुम देपर है एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन तुम जान बोले कौन डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर कहीपरि डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर कहीपरि तो या लिखिपर पे आर वेक्टर रो डबल डॉट कौन लिखिपर पे डबल डॉट कहीं कतर डेरिवेटिव दी थर डेरिवेटिव तो दी थर डेरिवेटिव को डबल डॉट मध्य लिखिपरि है तो आर डॉट मैंने तुम वेलोसिटी कहीपर आर आर डबल डॉट मीन तुम एक्सेलरेशन कहीपर क्लियर आगे चल है तो एफ इज इक्वल टू के पिले रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है सरी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या दे इक्वेशन नंबर वन है आम जानू पी इज इक्वल टू एम भी पी इज कौन तुम मोमेंटम मोमेंटम इज इक्वल मास एंड वेलोसिटी है एबे एम ऑफ वी को लेकिन पी जगह पुट करो है तो एफ इज इक्वल टू डी बाय डीटी ऑफ पी जगह मुझे कौन पुट कली एम इंटू वी ठीक अच्छे किसी असुविधा ना एबे एम हूँ तुम कांस्टेंट मास हूँ तुम कौन कांस्टेंट तो एम बाहरी गला कौन बाहरी गला पहले एम बाहरी गला तो कौन रहा एम इज एम बाहरी गला तो कौन रहा डी बाय डी टी कौन रहा पहले डी बाय डी टी कौन रहा पहले डी बाय डी टी है चल पे है वेयर आउ एटी मास को आम कौन कनसीडर करूँ मास इज अफ द बडी एज्यूम टू बी ए कन्स्टांट तो मास को आम कन्स्टांट कनसीडर करूँ ठीक अच्छे तो आम डी बाय डी टी कौन कल एम को कन्स्टांट बाहर करदेलु डी बाय डी टी आज इट इज लिखीचु ठीक अच्छे एवं देख बिले है जो डी बाय डी टी लिखुच तो रेट अफ चेंज अफ वेलोसीटी है तो डी बाय डी टी को मतलब कौन कह पे है तो आक्सेलरेशन इज इक्वल टू आम जानू पे डी बाय डी टी बुझ पाला पे ये लिखाई आक्सेलरेशन इज इक्वल टू के पे डी बाय डी टी तो रेट अफ चेंज अफ कौन रेट अफ चेंज अफ वेलोसीटी इज कॉल्ड आक्सेलरेशन है तो ए इज इक्वल टू डी बाय डी टी इज कॉल्ड आक्सेलरेशन अफ द पार्टिकल है कौन है एफ को एफ रहा एम को एम रहा जो डी बाय डी टी अच्छी या जगह मुझे ए लिखी कौन एफ इज इक्वल टू एम ए कौन एफ इज इक्वल टू एम ए तुम जान ये तुम कौन न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू कौन पिले एम ए क्लियर पिले तो एफ इज इक्वल टू के मिला एम ए है ए जिन गुडा तुम एमती भी लिखि पार था एफ इज इक्वल टू एम ए को लिखि था पिले आर एमती भी लिखि पार था यहाँ भी एका कथा कहीं आर डबल डट मतलब कौन पिले आर डबल डट मतलब आक्सेलरेशन है फेयर अल्सो कौन ए वेक्टर को तुम कौन लिखिपर आर वेक्टर डबल डॉट लिखिपर है क्लियर किसी असुविधा ना बुझीगल है तो इक्वेशन टू इज नोन आज फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल है तो इक्वेशन टू एफ इज इक्वल टू एम ए को कौन कहूँ पे फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल फेयर एफ रिप्रेजेंट द नेट फोर्स एफ रिप्रेजेंट कौन करुच्ची नेट फोर्स ऑफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल है तो एफ्टा कौन पे टोटल फोर्स कि नेट फोर्स है जितनी फोर्स तुम कौन होप्लाई होती तुम पढ़ी एफ इज कौन थी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है तो एफ्टा कौन टोटल फोर्स कि नेट फोर्स है तो कौन कहे एफ रिप्रेजेंट द नेट फोर्स ऑफ द नेट फोर्स ऑफ द वेक्टर सम ऑफ द ऑल द इंडिविजुअल पार्टिकल एक्टिंग ऑन द बॉडी कि एक्टिंग ऑन द पार्टिकल बुझ पाला पे आई होप स्टूडेंट तुम वीडियो को आराम से बुझी पार्थ पूरा डिटेल्स बुझेगी तो समस्त कौन पे जदि तुम ग्रुप जॉइन करा चाहो फटाफट कांटेक्ट करके ग्रुप जॉइन हो जाओ है तो ये नंबर में 9040607886 नंबर में कांटेक्ट कर जॉइन हो जाओ आउ डिटेल्स सब जिन वीडियो नोट्स एवरीथिंग तुम्हें पाइज तुमको ग्यारंटी दूसरी विदाउट ट्यूशन विदाउट कोचिंग में घर बस तुम पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर पार बुझ पाला पे जब वीडियो भल लगी तो सब सांग को शेयर कर जहाद्वारा कि समस्ते जापरतु से घर बस पूरा सिलेबस आराम से कंप्लीट करेंगे पूरा चार्टा पेपर क्लासेस तुमको प्रोवाइड कराइज बुझ पाला पे तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।